हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर शाहिद द गेमर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्नो गेमर्स ने जो अपने 113 एपिसोड में जो रेस की थी वो कैसे की थी, जो उसने मैप यूज किया था, जो रेस ट्रैक यूज किया था वो सब कैसे किया था, कैसे स्टोरी बनाया था, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी प्रेस करके अपना मैप दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो कि पूरा ओपन नहीं है, पर यहाँ पर जो है वो बहुत सारे रेसेस दिख रहे होंगे आपको। तो ये सब रेसेस क्यों है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा मैप जो है वो रिवील कर लेता हूँ। मैंने F8 प्रेस किया। F8 प्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पे मिस पे जाऊंगा और नीचे की तरफ जाऊंगा मैं। यहाँ पर मुझे मैप मोड्स मिल जाएगा, नहीं सॉरी HUD ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इसे जो है ऑन कर दूंगा। इसे ऑन करने के बाद में दोबारा से मैं मैप ओपन कर रहा हूँ। मैप ओपन करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हो मेरे जितने भी मैप्स थे वो सब पूरे जो है वो रिवील हो गए हैं। पर आप यहां पर क्या देख सकते हो, यहां पर आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा मैप दिख रहा है यहां पर। तो ये मैप मैंने कैसे इंस्टॉल किया ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये मैप बताने से पहले मैं आपको यहां पर मैं पहले चले जाता हूं। इसी ये जो ये मैप है यहां पर ही हमें रेस खेलना है। टेक्नो गेमर्स ने यहां पर ही रेस खेला था। जो रेस आप देखे थे 113 में वो इसी जगह पे हुई थी। जैसे कि ये पूरा लंबा रास्ता आया था, फिर मतलब ये पूरा स्ट्रेट लंबा स्ट्रेट रास्ता आया था, उसके बाद में जो है यहां पर रेस खेला था उसने। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको मैं। उससे पहले मैं यहां पर अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता हूं। टेलीपोर्ट करने के बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आपको, इस वजह से मैं यहां पर टेलीपोर्ट कर रहा हूं खुद को। वेपन मैंने सेट किया, बैक किया, इसका कॉल मैं रिसीव कर लेता हूँ। मैं तो दोबारा से यह कॉल करने ही वाला है वो। तो मैं वे पॉइंट बनाया था और वे पॉइंट पर मैं खुद को टेलीपोर्ट कर लिया। टेलीपोर्ट करने के बाद ना मैं इस जगह पर आ गया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेक्नो गेमर जो है वो कार लेकर आया था इस जगह पर। मैं कार से भी आ सकता था, पर कार से मैं आता तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता मेरा। मैं इस जगह पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नो गेमर्स ने यहाँ पर जो कार सेट किया था, जो स्टार्टिंग में कार सेट किया था, और वो सब जो स्टोरी क्रिएट किया था वो कैसे किया था। तो मैं यहाँ पर कॉल रिसीव कर लो यार, इसका बहुत परेशान करता है कॉल कर करके। F9 मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, F प्रेस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, सर्च पे जा रहा हूँ। सर्च पे जाने के बाद में यहाँ पर मैं कैसीनो टाइप करा, एंटर प्रेस किया, और मैं यहाँ पर एक चीज ढूंढ रहा हूँ। मैं ये ढूंढ रहा था, तो मैं इसे जो है यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। इसे सेट करने के बाद में मैं दोबारा बैक करूंगा, ऑब्जेक्ट सर्च COVER कवर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी मुझे कार की डम्मी मिल जाएगी। और आप बता सकते हो कि ये जो कार है, मतलब जो भी टेक्नो गेमर्स ने अपनी स्टोरी में बताया था वो बता सकते हो आप। जो भी आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद में मतलब ये सेट करने के बाद में यहाँ पे कुछ पैड्स यहाँ पे खड़े किया था टेक्नो गेमर्स ने, वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मैंने वीडियो में बताया तो वो सब मैं बताने वाला नहीं हूँ। फ्रेंड्स, ये सब सेट करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब ये जो मैप अभी हम लोग ने देखे ये मैप कैसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे रेस कैसे खेलना है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए पूरा देखना वीडियो को। अगर स्किप कर दोगे तो आपका एक भी पार्ट अगर मिस होगा तो ये मैप आपके गेम के अंदर नहीं इंस्टॉल होगा और आप रेस जो है वो नहीं खेल पाओगे और बहुत अच्छी सी स्टोरी इसके ऊपर नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो चलते हैं अब इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, उस मैप को और उस रेस को खेलने के लिए अपने GTA 5 गेम के अंदर हमें कुछ फाइल्स की जरूरत होगी, और वो सभी फाइल्स जो है हमें GTA5Mods.com की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और ये जो वेबसाइट है किसी भी ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाती है, और उस मैप का नाम है अकीना। तो फ्रेंड्स, यहां से हमें इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, और इन सभी फाइल्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसे सिंपली यहां से डाउनलोड कर लूंगा। यहां से ये थोड़ी बड़ी फाइल है, इस वजह से जो है मुझे ये दोबारा से आ रहा था, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहां से मुझे डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइल है मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। मैं दूसरी फाइल डाउनलोड कर लूंगा, मतलब कि वहां पे हमें रेस खेलना है। सिर्फ ये जो है ये मैप अभी डाउनलोड हुआ है, अभी रेस खेलने के लिए हम लोग जो है इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूं। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में हमें उधर पे कौन से टाइप की रेस खेलना है, मतलब कम्युनिटी रेस खेलना है या स्ट्रीट रेस खेलना है, वो हमें सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रीट रेस सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रीट रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं स्ट्रीट रेस जो है वो सिलेक्ट करके वो डाउनलोड करूंगा। तो मैं यहाँ से स्ट्रीट रेस भी जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ।
फ्रेंड्स अब मैप डाउनलोड कर लिया मैंने, वहां का जो रेस खेलने वाले वो रेस भी डाउनलोड कर लिया, और कौन सी टाइप की रेस खेलेंगे, स्ट्रीट रेस खेलेंगे वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया। अब लास्ट यहां पे हमें मिलता है नेटिव यूआई, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लूंगा। ये अपडेटेड नेटिव यूआई है और ये 2019 का कुछ शायद लास्ट अपडेट हुआ था, तो ये वो नेटिव यूआई है, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लूंगा ताकि मुझे जो है वो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, मुझे रेस करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इस वजह से मैं ये इस फाइल को भी डाउनलोड कर लेता हूं, आप भी डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर हम लोग जो है वो चारों फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अभी इंस्टॉल कैसे करना है डाउनलोड होने के बाद में देखते हैं। फ्रेंड्स यहां पर जो मेरी फाइल्स है वो डाउनलोड हो चुकी है और मैंने 3 फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, लास्ट फाइल मेरी बची हुई एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और मैं ये एक्सट्रैक्ट आपको करके दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करता हूं अपने फाइल्स को, जो भी मेरी zip फॉर्मेट की फाइल होती है वो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करता हूं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं विनराइट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूं और एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूं राइट क्लिक करके, ओके कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में ये फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब ये फोल्डर बन के आ जाता है। लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है और राइट साइड में मेरी GTFI की मेन डायरेक्टरी है। फ्रेंड्स यहाँ से आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अब हमारा चलेगा इंस्टॉलेशन। हमने डाउनलोड तो कर लिए सभी फाइल्स, अब जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी, तो यहाँ से जरा भी स्किप मत करना, स्किप कर दोगे तो ठीक तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है, राइट साइड में मेरे GTFI की मेन डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम लोग रिलीज फोल्डर जो है उसे इंस्टॉल करेंगे। मैं इसे ओपन किया, इन दोनों फाइल को मैंने बोला था कि 2019 का अपडेट है तो ये लेटेस्ट है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, स्क्रिप्ट फोल्डर में जाऊंगा मैं GTFI की मेन डायरेक्टरी में, यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ है तो दोबारा से मुझे जो है रिप्लेस के लिए आ रहा है, तो मैं इसे यहां पर पेस्ट कर दिया। इसे पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से पीछे जाता हूं, स्ट्रीट रेसेस मुझे यहां पे मिल जाएगा, तो मैं इसे कॉपी मतलब ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में स्ट्रीट रेसेस में जाऊंगा मैं, यहां पे मुझे कुछ जो भी फाइल्स मिली है मतलब ये रेसेस में जाऊंगा, यहां पे मैं इसे कॉपी करूंगा। इस वाले को कॉपी करने के बाद में स्ट्रीट रेसेस पे जाऊंगा, यहां पर जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। अब डायरेक्ट ये फोल्डर भी अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा, इस फोल्डर को कॉपी करना है और यहां पर जो है वो पेस्ट कर देना है इस जगह पर। हम क्या करेंगे, ये दोनों को कॉपी करेंगे और यहां पर आके पेस्ट कर देंगे, ऐसे भी पेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं बैक करूंगा मैं, यहाँ पर हमारा दो मोड जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि एक और यहाँ पर फोल्डर मिलता है कि ऑप्शनल है, मतलब ये हमें कुछ काम का नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना, और रीडमी तो बिना पढ़े भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस फोल्डर का मतलब इस मोड का हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग दो मोड इंस्टॉल कर चुके हैं, स्ट्रीट रेसेस और रिलीज। अब यहाँ पे हमारा मेन मोड आ जाता है अकेना, तो इसे मैं ओपन करूंगा, इसे भी ओपन करूंगा, और यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स मिल जाती है। इन फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है ओपन आईवी की जरूरत होगी। ओपन आईवी में मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ओपन आईवी ओपन कर दिया। ओपन आईवी ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको DLC पैक मिल जाएगा स्टार्टिंग में, सबसे पहला फोल्डर। अब बैकअप फाइल जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ बैकअप के लिए, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसके लिए ये फाइल्स है, पर इसका कुछ काम भी नहीं है, तो मैं बैक करता हूँ। सबसे पहले हम लोग DLC पैक्स में जाएंगे, इसे मैं ओपन किया, इसे भी ओपन किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोल्डर है हमें इस फोल्डर को DLC पैक में डालना होगा। कहाँ पर पेश करना है, मोड्स पे जाना है, अपडेट पे जाना है, 64 DLC पैक में जाने के बाद में ये जो फोल्डर है यहाँ पर सिर्फ सिंपली ड्रैग कर देना। अभी ड्रैग नहीं हो रहा है क्योंकि एडिट मोड जो है इसका ऑफ है। अब मैं ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा, जैसे कि पहले से यहाँ पर ड्रैग हुआ था, तो मैं दोबारा से ड्रैग कर देता हूँ इसे। फ्रेंड्स इस फोल्डर को यहाँ पर ड्रैग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, हमें मोड्स पे जाना है, अपडेट पे जाना है, अपडेट RPF कॉमन डेटा, और यहाँ पे DLC लिस्ट मिल जाएगी हमें, इस पर राइट क्लिक करके इसे एडिट मोड पे जो है वो ऑन कर देना है। यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करनी होगी, और वो जो लाइन है हमें यहाँ पे मैं बैक करूंगा और यहाँ पे Akina 5 Redmi पे जाऊंगा। Akina 5 Redmi पे जाने के बाद में यहाँ पर हमें एक लाइन मिल जाती है, इस लाइन को जो है हमें यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लिया और DLC लिस्ट में लाके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने पेस्ट किया हुआ है तो मैं दोबारा सबको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ऐसा सिंपली हमें पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है वो सेव कर देना है। यहाँ पर मैं बैक करा, सेव किया, और ये यहाँ पर सेव हो गई है। दोबारा से बैक किया, यहाँ पे हमें सेकंड मिल जाता है मिनी मैप, तो मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ पर हमें 3 चीज मिल जाती है, एक पॉज इंटरफेस मैप मिल जाता है, मतलब जब हम पॉज करते हैं अपने गेम को, पॉज मेन्यू में जाते हैं, वहां पे जो हमें मैप दिख रहा था वो मैप को इंस्टॉल करने के लिए ये जाइए मतलब हमें ये फाइल्स मिली है। तो इसे कहां पर इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं यहां पे जो है रेडमी ओपन कर लेता हूं, मिनी मैप इंस्टॉलेशन। तो मैं यहां पे रेडमी ओपन कर दिया, रेडमी ओपन करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो रडार मिनी मैप, तो यहां पे रडार मिनी मैप का दिया हुआ है और पॉज इंटरफेस मैप का भी दिया हुआ है। तो मैं बैक करूंगा,
मोड्स पे जाऊंगा दोबारा से। मोड्स पे जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो X64B, तो X64B यहाँ पे मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा हूँ। अगर आप कॉपी पेस्ट करके नहीं रखे हो तो आप क्या करो, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाओ, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाओ। मैं बैक किया और मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम देख लेंगे। X64B और X64E, X64B और X64E, ये दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और मोड्स में जाऊंगा। मोड्स में जाने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे तो आपको जो है ओपन IV में भी दिखने लगेगा वो, जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, पॉज इंटरफेस मैप को जो है वो हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे। तो 64B में मैं जाऊंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा में जाने के बाद मैं नेक्स्ट CD इमेजेस में जाऊंगा और स्केल फॉर्म जेनेरिक पे जाऊंगा मैं। यहाँ पर आने के बाद में ये जो फाइल्स है पॉज इंटरफेस के अंदर जो फाइल्स है, इस सभी फाइल्स को जो है मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। जैसे कि मैं अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि इधर पे ये फाइल्स आ गई है। अगर मैं नीचे की तरफ गया और थोड़ा सा सर्च करना होगा मुझे, इसे ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक फाइल यहाँ पर मुझे मिल गई है, ये रही वो फाइल। और बहुत ढूंढूंगा तो मतलब यहाँ पे मुझे ढूंढना होगा, सभी फाइल जो है वो इसके अंदर आ जाती है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ जाती है, मतलब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे सभी फाइल्स को तो ये सब फाइल जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। मैं बैक करूंगा, बैक करने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे रडार मिनी मैप। तो रडार मिनी मैप पे हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है, X64E में जो है हमें रडार मिनी मैप को इंस्टॉल करना है। तो मैं बैक करूंगा, X64 पे जाऊंगा, X64 लेवल्स, GTA 5 पे मिनी मैप RPF, यहाँ पर जाने के बाद में ये जो भी फाइल्स है इन सभी फाइल्स को मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। इसे ट्रैक करने के बाद में मैं दोबारा से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में ये दोनों फाइल को हम लोग जो है वो कॉपी ट्रैक कर चुके हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट फाइल हमें मिल जाती है, ये फाइल जो है वो एम्प्टी है, इसका कोई भी हमें काम नहीं है। तो मैं इसे बैक कर दूंगा। इसे बैक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन का जो है हमें फोल्डर मिल जाता है, तो मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोज है, तो मैं इसे बैक कर दूंगा। अब फ्रेंड्स ये बैक करने के बाद में मतलब ये फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के बाद में हमारे गेम के अंदर जो मैप दिख रहा था पॉज मेन्यू पे, अब वो दिखने लगेगा। अभी हमारा दूसरा फोल्डर आता है यहाँ पे अकेना रेसेस, तो मैं इसे ओपन करूंगा। और इसे ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं सबसे पहले अकेना मेटा डेटा पे जाऊंगा। चलो रीडमी भी जो है वो मैं ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस फोल्डर में जो है हमें सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर अकेना मेटा डेटा, और मैं आपको रीडमी भी दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन में आप देखोगे कि इंस्टॉल द रिक्वायर्ड स्टफ, तो ये जो फाइल है हमारी अकेना ट्रैफिक पाथ फाइल फ्रॉम ये मेटाडेटा, अकेना मेटाडेटा RPF टू दिस। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है मोड्स पे जाएंगे, अपडेट पे जाएंगे। अपडेट पे जाने के बाद में 64 DLC पैक में जाने के बाद में यहाँ पर DLC RPF 64 लेवल्स GTA 5 अकेना, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर जो है ना, मैं इस वाले को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद में ये जो फाइल्स है इसके अंदर मेरे डेटा की, मैं इन सभी फाइल्स को जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले से किया हुआ है, मैं दोबारा से कर दूंगा। दोबारा से कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोबारा से करने के बाद में मैं बैक करूंगा। ये फर्स्ट जो हमारा फोल्डर था अकेना मेटा डेटा का, ये हमने कंप्लीट कर दिया, इसे कॉपी पेस्ट हम लोग कर दे। तो मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे सेकंड यहाँ पर फोल्डर मिल जाता है हमें रेसेस का, तो मैं इसे ओपन करूंगा। इन सभी फाइल्स का हमें कुछ भी काम नहीं है, एक्चुअली ये रेसेस का जो फोल्डर है हमें कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि ये जो रेसेस का फोल्डर है हम लोग कम्युनिटी रेस अगर इंस्टॉल कर रहे होते तो उसके अंदर ये काम आता, पर हम लोग ने स्ट्रीट रेस इंस्टॉल किए तो हमें जो है ये फोल्डर काम में आएगा। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम्युनिटी रेस के लिए ये करना था और स्ट्रीट रेस के लिए जो है फॉर स्ट्रीट रेस, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर ये करना है हमें, तो इस वाले फोल्डर को मतलब इस वाले ऑप्शन को हम लोग को फॉलो करना था। मैं बैक करूंगा, स्ट्रीट रेस को ओपन करूंगा। स्ट्रीट रेस को ओपन करने के बाद में GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में हमें चले आना। GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ये रही। अब मैं स्क्रिप्ट्स को जो है वो ओपन करूंगा, स्ट्रीट रेसेस को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो रेसेस का फोल्डर है मैं इसे ओपन करूंगा और इस वाले फाइल को मैं जो है वो कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ था तो रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं बैक करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं बैक कर दूंगा। ये दोनों जो फाइल है अकेना बॉटम स्टार्ट और अकेना टॉप स्टार्ट, इसे मैं कॉपी करूंगा। इसे कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ था, दोबारा से मुझे पेस्ट के लिए आ रहा तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं बैक करूंगा। बैक करने के बाद में ये रेडमी का, तो हम लोग जो है रेडमी कर करके जो है वो इंस्टॉल करें। अब मैं बैक करूंगा दोबारा से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा चारों ही मोड जो है वो अब इंस्टॉल हो चुका है। अब तो फ्रेंड्स अब गेम के अंदर मिलते हैं और देखते हैं कि जो चारों मोड्स हमने इंस्टॉल किए वो किस तरह से काम करते हैं। तो मिलते हैं गेम में।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा गेम है वो ऑन हो चुका है। मैं खुद को टेलीपोर्ट कर लेता हूँ उस मैप पर, तो मैं पी प्रेस करता हूँ पॉज मेन्यू के लिए। अरे यार यहाँ पे मुझे जो है वो दोबारा से मैप रिवील करना होगा, तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे जाने के बाद में मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ हुड, और यहाँ पे जो है मैप रिवील कर दिया मैंने। पी दोबारा से प्रेस किया पॉज मेन्यू के लिए और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा से। मैं अब आपको जो है वो फुल जाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस किया, एफेट प्रेस किया, एफेट प्रेस करने के बाद में व्हीकल, व्हीकल के बाद में स्पॉनर, सुपर, कोई भी जो है एक कार में स्पॉन कर लेता हूँ। एफेट मैंने प्रेस किया और टेलीपोर्ट टू वे पॉइंट। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेक्नो गेमर जो है वो इसी जगह से जाता है और इस जगह से जाने के बाद में जो है वो रेस स्टार्ट करता है। तो रेस कैसे स्टार्ट करना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। रेस अगर यहाँ से भी आप स्किप कर दोगे तो आप रेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। रेस स्टार्ट करने के लिए भी थोड़ी सी ट्रिक है। और ये जो कार्स आ रही है, ये कार्स को भी जो है हम लोग को अपने गेम के अंदर नहीं चाहिए। आप देखोगे कि टेक्नो गेमर जब यहाँ से जाता रहता है तो यहाँ पे कोई कार्स नहीं होती है, तो वो कार्स कैसे जो है हम लोग को अपने गेम में से निकालना है। यहाँ पर कार मिलते रहेगी हम लोग को रास्ते में। अगर मैं यहाँ से भी सीधा सीधा लेके जा रहा हूँ अपनी कार को, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग को कार मिलेगी और इसके अंदर एक ग्लिच भी मिलेगा शायद से। चलो ग्लिच नहीं दिख रहा है अभी। मैं जब इसके पहले जब ये ट्राई कर रहा था तो कार जो है वो हवा में थी, फिर उसके थोड़ा सा हवा में थी और उसके बाद में नीचे गिर रही थी, तो अभी वो ग्लिच नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है। तो अब मैं अभी यहां से भगाते हुए लेके जाऊंगा और रेस तक लेके जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो कार्स आ रही है सामने से, जो बीच बीच में कार्स आ रही है वो कार्स कैसे नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर एफेट प्रेस करता हूँ, इस पे जाता हूँ और यहाँ पे जो डिक्रीज पैड पोल्यूशन, डिक्रीज व्हीकल पोल्यूशन जो है मैं ऑन कर दूंगा। अभी इसे ऑन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो वो कार है वो अभी भी हवा में उड़ गई है। अभी मैं आगे गया तो ये कार जो है वो नीचे गिर गई है। अब जो है मेरे ख्याल से अब एक भी कार जो है मुझे रास्ते पे नहीं मिलेगी। पर आप चाहते हो कि आपके रेस के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्स होती है रेसर्स के अलावा वो रहे, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपने रेस पर। तो मैं खुद को टेलीपोर्ट कर लेता हूँ एक काम करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है वहां पहुंचने के लिए। तो मैं पी प्रेस करता हूँ। पी प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इतना दूर मुझे आना था, तो मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर लूंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर वे पॉइंट बनाता हूँ, एफेट प्रेस करता हूँ, टेलीपोर्ट ऑप्शन, वे पॉइंट। यहाँ पर मैं खुद को टेलीपोर्ट कर लिया हूँ। टेलीपोर्ट करने के बाद में मुझे जो है वो पीछे की तरफ जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टेक्नो गेमर जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो लाइन से कार खड़ी हुई रहती है और टेक्नो गेमर्स बोलता है कि यहाँ पे जो है वो कार आके खड़ी हुई है लाइन में और हमें भी जो है वो लाइन में खड़े हो जाना। तो आपको वो कैसे करना है, मैंने F9 प्रेस किया यहाँ पर और बहुत सारी सुपर कार अगर इंस्टॉल करना है आपको तो 48 कार पैक का मैंने वीडियो बनाया और वहाँ से जो है आप देख के अच्छी अच्छी कार जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। रोल्स रॉयस है, बहुत सारी बुकाडी है, डुकाटी है और लैम्बोर्गिनी है, बहुत सारी उसके अंदर कार्स है। तो यहाँ पे जो हम लोग को सीधा सिंपली ऐसे ऐसे कार जो है वो खड़े करते चले जाना। पर ये सब जो कार है कोई काम की नहीं रहेगी, वो बाद में हमें डिलीट करना होगा। आपको मैं डायरेक्ट रेस करना बता देता हूँ कि रेस कैसे करना है। सिर्फ मैं आपको ये कार इसलिए खड़े करके दिखाया क्योंकि टेक्नो गेमर जब अपने वीडियो में आता है तो वहाँ पर एक कार खड़ी हुई रहती है, तो वो कार कैसे खड़ी रहती है वो सिर्फ बताने के लिए मैंने वहाँ पर 3 कार खड़े कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद में ई प्रेस करूँगा। ई प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो किस कार से हम लोग को रेस करना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीट कर दूंगा तो यहाँ पे स्ट्रीट्स कार आएगी और यहाँ पे ऑफ रोड आएगी, रैली आएगी, मतलब अलग अलग कार की जो है वो रेस होती है। तो मैं यहाँ पे सुपर कार सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेसर मतलब कितने रेसर रहेंगे, कितनी कार्स रहेगी, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। नंबर ऑफ लैप्स कितने होंगे, मतलब एक बार हमें पूरा चक्कर चलाना है या 2 बार, वो चीज़ है ये, तो ये भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। और आपको मैं बता रहा था कि ट्रैफिक के लिए, तो यहाँ से जो है हम लोग ट्रैफिक स्लैट सेट कर सकते हैं। मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे बैक कर दूंगा, मतलब इसे ऑफ कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जो है कार रेस को स्टार्ट कर देता हूँ। सिंपली हमें रेस स्टार्ट रेस पे एंटर प्रेस करना है, थोड़ा से टाइम में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी रेस। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी रेस है वो स्टार्ट हो गई और मैं यहाँ पे कोई भी कार से जो है वो रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हो रेस स्टार्ट हो गई है और ये लोग जो नाइट्रो मार रहे हैं वो नाइट्रो भी हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं अपने गेम के अंदर। अब वो सीखना है कि नाइट्रो कैसे मारना है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया पूरा। ये आप देख सकते हो कि वो जो मैंने कार वहां पे सेट की थी वो अभी भी कार है। पर टेक्नो गेमर जब अपनी रेस स्टार्ट करता है तो वहां पे कोई कार नहीं रहती है। टेक्नो गेमर्स जो रेस स्टार्ट करने से पहले उन सभी कार्स को जो है वो डिलीट कर देता है, इस वजह से वहां पे कार्स नहीं दिखी है। मैं वहां पे कार्स को डिलीट नहीं किया, इस वजह से जो वो वहां पे कार जो है वो दिख रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हम लोग ने मैप इंस्टॉल किया वो मैप
और जो रेस इंस्टॉल की है वो रेस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है, कोई भी गिलिच नहीं है। पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब आप कार को बहुत फास्ट चला रहे हो तो उतनी फास्ट में जो है वो कार को टर्न मत करना, वरना आपकी जो कार है वो खाई में जा सकती है, वो तो नेचुरली बात है, मतलब वो तो सभी को पता ही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस को खेलता हूँ और मजे लेता हूँ इस रेस के। आप भी इस रेस को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, और इनसे ये मैप जो है इसे भी डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, और मजे करो, रेस खेलो, और बहुत अच्छी सी वीडियो बनाओ, स्टोरी बनाओ, और टेक्नो गेमर से ज़्यादा अच्छी स्टोरी बनाना। और मुझे स्टोरी बनाने के बाद में, वीडियो बनाने के बाद में मुझे प्लीज़ बता देना, मुझे लिंक सेंड कर देना, वो वीडियो मैं देखूंगा कि आप जो है इस मैप को कैसे यूज़ करें और जो ये रेस है उसे कैसे यूज़ करें। भाई ये लोग को पीछे करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है यार, और वीडियो यहाँ पे जो है वो लेंथ भी बड़ी हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा फास्ट भगाता हूँ कार को, और इन लोगों को जो है वो पीछे करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पीछे कर दिया है। 12 लोगों की शायद से थी ये रेस, मैंने मुझे ध्यान भी नहीं कि कितने लोगों की मैंने रेस यहाँ पे सेट की थी। तो यहाँ में आप देख सकते हो कि ये लोग जो है वो बहुत ही तगड़ी कार चला रहे हैं, और भी ये लोग तगड़ी कार चला सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट रेस के अंदर देखोगे तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं फास्टर का, और बहुत सारे ऑप्शन मतलब वहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं कि आप अगर वो सब भी इंस्टॉल करोगे तो ये लोग जो है बहुत ही तगड़ी कार चलाएंगे, फिर इन लोगों को जो हराना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर मैंने वो सब नहीं बताया क्योंकि इतने में हमारा काम जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कितना संभाल संभाल के चला रहा हूँ अपनी कार को, और इन लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो रेस है आप कोई भी कार से खेल सकते हो, कोई भी कार से, मतलब सुपर कार ही होना चाहिए। अगर सुपर रेस लगाए, सुपर कार की रेस लगाए तो वो कार जो है वो सुपर ही होना चाहिए, मतलब वो लैम्बोर्गिनी हुई, टार्जो हुई, कोई भी कार हो, आप कोई भी अपनी मनपसंद की कार से जो है वो रेस कर सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप रेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आप कार के अंदर ही बैठे रहो। अगर कार के अंदर बैठे नहीं रहोगे और कार के बाहर रहोगे तो आप बिना कार के रेस स्टार्ट होगी आपकी, आपकी जो रेस रहेगी वो बिना कार के स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसके बाद में डीएम करना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय। और फ्रेंड्स मुझे बताना कमेंट्स में कि ये रेस जो है मैं जीता या नहीं जीता था।